नमस्कार दोस्तों, गठिया रोग यह अभी प्राय सभी लोगों में होता है और अक्सर ये पुरुषों में अधिक होता है। जानते हैं गठिया रोग के बारे में? मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं गठिया रोग के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। प्लीज आप ध्यान से सुनें। अक्सर गठिया आज एक दुनिया के सामने चैलेंज हो गया है। जिस किसी को भी देखो, सबके घुटनों का दर्द, गठिया वाय अधिकतर पुरुषों में देखी जाती है। अक्सर ये पुरुषों में 40 वर्ष बाद होती है, स्त्रियों में नहीं होती है। पर जिन स्त्रियों में मासिक धर्म बंद हो गया है, उनमें गठिया रोग के चांस बन जाते हैं। इस बॉडी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, उसका सही पाचन नहीं होने पर उससे बॉडी में यूरिया बनता है, और यूरिया किडनी और बड़े जॉइंट में जाकर के रुक जाता है, और फिर वहाँ छोटे जीवाणु वायरस पैदा हो जाते हैं और धीरे धीरे उन घुटनों को धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। यह पैतृक भी होता है। इसके होने के बाद प्यास अधिक लगेगी, आलस्य आएंगे, अंगों में दर्द बहुत होगा, भोजन का परिपाक नहीं होता है। इसमें मेन भोजन का परिपाक नहीं होना ही इस बीमारी का कारण है। भोजन का परिपाक नहीं होने से आपके कॉन्स्टिपेशन रहेगा, और जिसके कॉन्स्टिपेशन होता है उनको कई तरह की बीमारी होती है। यह रात को अचानक दर्द प्रारंभ होता है। यह पैर के अंगूठे से दर्द प्रारंभ होता है, अंगूठा लाल हो जाता है, कपड़े के टच होने पर भी भयंकर दर्द होता है। फिर 2 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह भर तक यह दर्द रहता है और फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। फिर 15 दिन रेस्ट, फिर वापस यह दर्द प्रारंभ होता है। इस प्रकार यह लाइफ टाइम तक चलता रहता है। ठंडे प्रदेशों में भी यह अधिक पाया जाता है। विरुद्ध आहार विहार, पहले भी मैंने आपको बताया था, 4 या 5 आहार से अधिक अन्न मिक्स करके या 4 5 प्रकार के भोज्य पदार्थ, जैसे दालें आ गई, मिठाई आ गई, सब्जी आ गई, इस प्रकार 4 या 5 से ज़्यादा एक साथ आपको नहीं खाने हैं। जैसे आप ज़्यादा खाओगे वो एक दूसरों के विरुद्ध अन्न हो जाएगा, वह आपके शरीर में बहुत तकलीफ हो जाएगा। आपको हमेशा प्रातः उठ करके 6 या 7 बजे के बीच में उठ जाना, फ्रेश होकर के व्यायाम, योग, प्राणायाम कम से कम आपको 45 मिनट तक करना है। 45 से भी अधिक आप कर सकते हो, वरना इतना तो करना ही है। और शाम को भोजन के बाद 1 या 1.5 घंटे बाद आपको कम से कम 2 या 3 किलोमीटर पैदल घूमना है। फिर आकर के रेस्ट करके फिर आपको पानी वानी पी के आपको सो जाना है। आपको जीवन में भारी खाना, तली हुई चीज़ें अक्सर नहीं खानी है। आज एक रूटीन बात हो गई है, भूख लग गई, कचौरी खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें इस प्रकार आप काम में नहीं लेवें। ठंडी रोटी नहीं खावें, भारी खाना बहुत कम लें। आपको ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का अधिक उपयोग करना है, सलाद का अधिक उपयोग करना है, टमाटर का अधिक उपयोग करना है। इसमें उपवास का भी बहुत बड़ा महत्व है। आपको सप्ताह में कम से कम 1 या 2 बार उपवास करना है, ताकि शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी रेस्ट मिल जाता है। उससे भी गठिया रोग में काफ़ी आपको राहत मिलती है। इसलिए प्लीज ध्यान रखिए दोस्तों, और आप अगर इस प्रकार अपनी दिनचर्या बनाएंगे तो जीवन में कभी आपको गठिया रोग नहीं होगा। थैंक यू। गठिया रोगों के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा
और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे के दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।